अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जी हम आए हैं फोर्ट्रेस स्टेडियम में, लाहौर में जो फोर्ट्रेस है वहाँ पर। यहाँ पे जी वो फूड गाला, फूड मेला एक लगा हुआ है, तो मैंने कहा जी हम क्यों रहें, हम भी इसको देख के आते हैं। एंट्रेंस जो थी बहुत अच्छा डेकोर किया हुआ है, और यहाँ आते ही इन्होंने ये जो स्टैचूज है ना ये लगाए हुए हैं। मेरा दिल तो पहले गया, मुझे पहले वैसे लगा कि ये रेल वाले तो नहीं है। आते जी फुल फूड की वाइब, आते यहाँ पे जो सज्जी वज्जी, और इतना फूड के स्टॉल थे ना, ढेरों ढेर ढेरों ढेर फूड्स के स्टॉल। खाने खाने पीने की तो मैं सब कुछ शौकीन हूँ। ये कतलम मैदान यहाँ पर आते ही ना बचपन की चीज़ी यादें नहीं मेरी है, ताज़ा कतलम हो गई। मैदान मेरी बेटी जो है ना, उसको लगा कि ये, उसने पहली दफ़ा कतलम्मा देखा, उसको लगा ये शायद कोई पिज़्ज़ा टाइप का चीज़ है ना। कही थी मम्मी ये जो है ये क्या चीज़ ही है। मैंने कहा नहीं यार ये कतलम्मा, अब आपको क्या बताएं। बेहतरीन पुलाव कबाब, ऐसी ऐसी खुशबुएं थी ना। और जनाब जी लाहौरी चरगा, मतलब चरगा मुझे लगता है कि चरगा जो है ना लाहौर से बेस्ट कहीं से नहीं मिलता, बड़ा ही आला चरगा था जी। हमने लिए जी कतलम्मा, थोड़ा सा हमने कतलम्मा लिया, साथ में हमने ये जो पुलाव बन रहा था ना ये वाला लिया कतलम्मा, बहुत मज़े का था। मैंने तो बहुत अरसे बाद खाया, और इतना क्रंची सा, इतना क्रिस्पी और स्पाइसी भी था थोड़ा सा, पर बहुत मज़े का था, बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार था चल ये जी। यहाँ पर पुलाव की जो प्लेट है वो मेरा ख्याल है 350 या 300 समथिंग में है, और पुलाव इतना उम्दा है, इतना काला है कि बहुत आला पुलाव है, बहुत ही मज़ेदार था। बहुत ही मज़ेदार है। मैंने इससे अच्छी, अभी मैं इधर भी जा रही हूँ। कहाँ? हाँ अभी चलते हैं। पुल कबाब भी हमने खाया, जो पुल कबाब बहुत मज़े का नहीं था, बस सो सो था, अच्छा था, नॉट बैड, नॉट बहुत अच्छा था। यहाँ पे भी झूलों शूलों का पूरा इंतज़ाम है, मतलब आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। लेकिन वो जो जॉयलैंड के अंदर वाले झूले हैं वो कंपैरेटिवली उस जैसे तो नहीं है, लेकिन अच्छे झूले शूले हैं, चीज़ें हैं कि बच्चे खूब यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, ये जो पायरेट वाली वो जो बोट पायरेट है, पायरेट बोट व्हाटएवर इसका जो भी नाम होता है, इस पे दो बच्चे तो थे ना, वो लिटरली खड़े होके जो थे ना वो झूला ले रहे थे, इस पे लिटरली वो खड़े थे। मैंने कहा अल्लाह ना करे वो गिर जाए, लेकिन चलें लाहौर लाहौर है, लाहौर के जो बच्चे भी हैं ना पूरे फुल लाहौरी है, फुल स्वैग में, फुल मूड में। मौसम जो है ठंडा ठंडा हो गया, तो फिर जी हमने सूप पीने का प्लान किया। सूप वाज गुड, ठीक था। फिर जनाब हमेशा की तरह जहाँ मेरी बेटी को बलून नज़र आए ना वहीं पे खड़ी हो जाती है कि मुझे बलून लेके दें, वरना मैं आपको बहुत तंग करने वाली हूँ, तो लोगों के सामने शर्मिंदा होने से बेहतर है। मैंने उसको बलून्स ले दिए। अच्छा जनाब मेरा जिसे कहते हैं ना फेवरेट पोर्शन आ गया था, घरेलू सामान, बर्तन छर्तन, क्लब कप ग्लास वगैरह, क्वालिटी जो थी वो अच्छी थी, लेकिन मैंने ख़रीदा ही नहीं, पता नहीं क्यों, ऐसे ही चलते चलते वापस आ गए। एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे ये बहुत ज़्यादा हुई, ओहो मेरी बेटी का जिसे कहते हैं ना इन सारों में करते करते जो बलून है वो उड़ गया हवा। किधर अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह को प्यारा। घूमते घुमाते हुए ना हमें बहुत दिल किया चाय या कॉफ़ी पीने का, फिर हमें एक स्टॉल नज़र आया जिसमें ये लड़का जो है ना इतना ये वो प्यारी लग रही थी ना, ये सारा जिसे कहते हैं ये स्टीम, ये जो बार बार इस तरह फोग सी, ऐसे लग रहा था हम कहीं मरी में आ गए हैं, कोई फिल्मी सीन शुरू हो गया। ये मुबशर पुत्र ने ना बेहतरीन कॉफ़ी बनाई, बेहतरीन। ये मुबशर वो टिकटॉक वाला नहीं है, ये कॉफ़ी वाला मुबशर था। फिर जी ट्रेन टाइम हो गया, वैसे मैं जब भी फोर्ट्रेस जाऊँ ना जॉयलैंड मैं ट्रेन में ज़रूर बैठती हूँ। अच्छा जी फिर वो बुक स्टॉल आ गया, यहाँ पर बुक स्टॉल पे आप यकीन करें ना बंदा था ना बंदे की ज़ात थी, कोई भी नहीं था, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था किताबें पढ़ने में। खैर मैंने ये हाफ़ गर्लफ्रेंड जो है ना बुक देखी, मेरा दिल किया ख़रीद लूँ, फिर मैंने कहा की फ़ायदा, फिल्म देख लेंगे। फिर जी यहाँ पे कपड़े शपड़े भी इनकी यहाँ बड़ी पे बन रही है जी। चीज़े, ये कौन सी रोटी है? ये मकई की रोटी, मकई की रोटी। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमीना। सुमीना, सुमीना जी ने ये रोटियाँ मेरा ख्याल है खुद ही बनाई है। जी मैं खुद ही बनाती हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और आपका स्टॉल जो है ये जी फोर्ट्रेस में, और आपकी टाइमिंग्स क्या है? हमारी टाइमिंग 2 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। 2 बजे से 12 बजे तक। अच्छा जी, साग है, मकई की रोटी है, मखान है, अचार है हमारे पास। अच्छा हर चीज़ माशाल्लाह फ्रेश फ्रेश है।
चलें जी, अब हम समीना जी की जो है ना रोटी और मक्खन और साग ट्राई करते हैं, फिर आपको रिव्यूज देते हैं कि इन्होंने कैसा बनाया है। मुझे जितनी ये खुद प्यारी है ना, मुझे देख के अंदाजा हो रहा है कि इनके हाथ में टेस्ट भी बहुत होगा और इन्होंने बहुत अच्छा बनाया होगा। रोटी जो है ना ये वाकई अच्छी है, बहुत अच्छी है। लो जी साग मक्खन और ये गया, साग और रोटी बहुत अच्छी थी। मैंने कभी अचार के साथ ट्राई नहीं किया, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो फिर मुझे भटूरे नज़र आए, ये बंदा जो है ना इतना कुछ फनी वे में जिसे कहते हैं ना भटूरे पे, तो इसने खुद ही अपनी शायरी बनाई हुई थी, लेकिन मुझे देख के ये चुप कर गया, इतना कैमरा शायद था। अब मुझे नज़र आया जी गोलगप्पे, चटनी थोड़ी सी डाल के मिक्स कर लो। चलो भी ध्यान गोल गप्पा शॉट्स। लो जी बिस्मिल्लाह। और इसका खट्टा बहुत अच्छा है, इसका खट्टा वाकई इतना खट्टा है कि आप उसको जितनी बार भी ट्राई करेंगे ना, ये आपको खट्टा ही लगेगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मीठी चटनी भी डाली है, लेकिन ये अभी भी खट्टा है, ये इतना खट्टा है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। जनाब खा के पी के और सर्दी में इंजॉय करके ना, अब मैं तो गई थी थक, मैं लिटरली सही थक गई थी। यहाँ पे सर्दी भी ज़्यादा हो रही है, ये मतलब यहाँ पे कपड़े भी आपको मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं तो उस तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन आप यहाँ आएँ अगर आप लाहौर में हैं। ये अभी 1 मंथ जो है ना ये वाला मेला जो है अभी और है, तो आप इसको आएँ और देखें और अपनी फैमिली के